आज पंतप्रधान मोदींकडून एक बटन दाबण्यात आलं आणि तब्बल 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 18,000 कोटी रुपये जमा झाले. एकीकडे सरकार विरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू असताना मोदी सरकारचा हा एक प्रकारे मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय. शेतकऱ्यांना या योजनेचे पैसे देण्याचा योग्य टायमिंग मोदींनी साधलाय असंच म्हणावं लागेल. तसंच मोदींनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून एक प्रकारे आंदोलन करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्याच तोंडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी आंदोलनाला उत्तर आगामी विधानसभा निवडणुका याला समोर ठेवून वर्षाचा गोड शेवट करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न होता असंच म्हणावं लागेल. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त आज प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील शेतकऱ्यांशी संवादही साधला. पीएम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये थेट अनुदान दिलं जातं. 2,000 रुपयांप्रमाणे 3 वेळा ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. या वर्षातील तिसरा हप्ता आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. एकीकडे शेतकरी आंदोलन सुरू असताना मोदींनी या कार्यक्रमातून सरकार कसं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करतंय हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. ही शेतकरी सन्मान निधी योजना 2019 पासून लागू करण्यात आली. या अंतर्गत वर्षातून 3 वेळा प्रत्येकी 2,000 रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. म्हणजे एका शेतकऱ्याला वर्षात 6,000 रुपये मिळतात. आतापर्यंत 96,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. कृषी सुधारणा कायद्यावरून खोटी माहिती पसरवली जात आहे. नव्या कृषी कायद्याला विरोध हा राजकीय अजेंड्यातून केला जातोय असा आरोप यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला. आधीच्या सरकारच्या धोरणांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. छोट्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पैसे मिळत नव्हते कारण त्यांच्याकडे बँक खातेच नव्हते. आमच्या सरकारने नव्या धोरणाने काम सुरू केलं. शेतकऱ्याला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करण्यावर आम्ही भर दिला. जगामध्ये काय नवं घडतंय त्याची माहिती घेतली, सखोल अभ्यास केला आणि त्या दृष्टीने काम सुरू केलं. छोट्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड दिलं. आयुष्यमान योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं जीवन सुधारलं. 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डही मिळालं असं मोदी यावेळी म्हणाले. इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी. वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी. इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था. और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है. जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में है. करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था. चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ. लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली. नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया. क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाई और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया. हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया. हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है. कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे. हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया. इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया. हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो. सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया के नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं
उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, अभी जब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपये क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। हम दशकों पुरानी इस पूरी सिंचाई योजनाओं पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, जो पहले 1 एकड़ का काम होता था 3 एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया माइक्रो इरिगेशन से। साथियों, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहे। या पार्श्वभूमीवर देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अशा प्रकारची रक्कम जमा करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला, त्यामुळे या कार्यक्रमाला एक वेगळंच महत्व प्राप्त झालं होतं। या कार्यक्रमातून मोदींनी दुहेरी फायदा केला असंच म्हणावं लागेल। या व्हिडिओबाबत तुमची काही मतं असतील तर ती कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नमूद करा। आमचं लोकमतचं यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा। हा व्हिडिओ फेसबुकवर पाहत असाल तर फेसबुक पेजला फॉलो आणि लाईक करा। आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर ते नक्की शेअर करा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट आकाश जाधवसह मी अश्विन महाजन, लोकमत, मुंबई।